ओडीए प्लस प्लस जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय फेज में आज प्रशिक्षण के लिए जनपद कानपुर नगर से और औरैया से ये अलग अलग प्रशिक्षण के लिए लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राम पंचायत पे हम आए हैं। ग्राम पंचायत का नाम है छतैनी ग्राम पंचायत छतैनी विकास खंड मलाशा कानपुर देहात। यहाँ का ये सामुदायिक शौचालय है और बगल में ये पंचायत भवन है और यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैंक भी देखने को मिल जाएगी। आपने कई तरह के बैंक देखे होंगे लेकिन ये प्लास्टिक बैंक है जिसमें कि प्लास्टिक के नाम पे सिर्फ एक अभी बॉटल है हार्पिक की। और आगे चल के देखते हैं कि इंजीनियर साहब कुछ बता रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में, आइए जानते हैं उसके बारे में। जब आपके पास और गोबर आ गया है तो उस गोबर को उधर ले लो, बीच का पार्टीशन हटा दो, केचुए अपने आप धीरे धीरे वहाँ पहुंच गए। एक साइड से इसमें क्या होता है, केचुए 6 इंच नीचे जाते हैं फिर 6 इंच ऊपर आते हैं, तो ऊपर की लेयर आपकी कंपोस्ट खाद बनना स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की लेयर को आप हटा लेंगे उसको, फिर केचुए नीचे चले जाएंगे, फिर वही 6 इंच लगभग लेयर बन जाएगा, ऐसे निकालते हैं। कितने दिन का प्रोसेस है इसकी? ज्यादा है लगभग किसकी? 3 महीने, 3 महीने तक, 3 महीने बाद खाद बन जाती है। इसकी लंबाई रहेगी 6 फुट, चौड़ाई 3 फुट। कोई बताओ डाउट इसमें? अब इसमें क्या है, एक चीज और सुनो, अभी क्या किया है, साइड को हमने ऊपर इतना आपको बड़ा नहीं करना, ये एक पिलर है चारों साइड ड्रॉइंग में देखना ऐसे ही होगा, इसमें ही पिलर को ऊपर पोल ले जाना है इसके ऊपर से। हमें तो आपने भेज दो माती। ठीक है साहब, ठीक है, आप के ये राशि मिस्त्री हेलो नमस्ते। अभी केचुआ काम करता है, अगर हीट रहेगी हाँ, जैसे मई अभी मई जून की गर्मी में 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं होना चाहिए यहाँ का टेम्परेचर, तो इसमें देखिए और बता नहीं सकता। एक मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने बताया पिलर आप लगाएंगे चारों तरफ, पिलर चारों तरफ, अब बोरी टाट वाली जो आती ना टाट लगाएंगे चारों तरफ, गर्मी का टेम्परेचर वो लगा दिया, ढाई बोरी बिछा दी ऊपर, इसमें छिड़काव करना है, बोरी में छिड़काव करेंगे सुबह शाम गर्मी में, इसमें भी छिड़काव करना है सुबह शाम, ये जो आपका केचुआ मर जाएगा इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से लोग आए थे स्वच्छ भारत मिशन में नेडेफ का, ये जो RRC जो कचरा वगैरह अलग अलग कूड़ा गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग डालना है और वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाए, कैसे उससे ग्राम पंचायत को आमदनी हो सकती है, इसमें जनपद औरैया और जनपद कानपुर नगर से काफ़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाडेफ कंपोस्ट पिट हैं जिसपे कि घुरा कूड़ा डाला जाता है, जिस तरह से गांव स्वच्छ और सुंदर रह सके। मैं राजेश शुक्ला आपके लिए ग्राम पंचायत छदेनी जनपद कानपुर देहात विकास खंड मलासा से।